कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से लगातार पैसों का जो बैग्स है वो बरामद किया जा रहा है। 300 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है और अभी भी कई बैग्स खुलने बाकी हैं। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तीन राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी और बरामद हुआ इतना पैसा कि चार दिन से जारी नोटों की गिनती अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकाने पर इनकम टैक्स की छापेमारी में बरामद की गई रकम की गिनती बुधवार से अब तक जारी है। अभी दो दिन का वक्त और लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईटी की टीम को ज्वेलरी समेत कुछ और ठिकानों की जानकारी मिली है। 6 से 7 रूम और 9 लॉकर में अभी छापेमारी होना बाकी है। 176 बैग आया है, उसमें से हम 40 लगभग 40 बैग का हमारा काउंटिंग खत्म हो गया है। धीरज साहू ने कांग्रेस को करप्शन के मोर्चे पर बुरी तरीके से उलझा दिया है। पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है तो दूसरी ओर कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वो समझ नहीं पा रही वो अपने नेता को डिफेंड करे तो करे कैसे। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एमपी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वो ही देंगे, वो पैसा कहां से आया। यूपी के अमरोहा से बीएसपी के सांसद दानिश अली को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन पर लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लग रहे थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी ने यूपी के अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि दानिश अली पार्टी के लिए कम और कांग्रेस के लिए ज्यादा काम कर रहे थे। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने एक पत्र जारी करते हुए लिखा है, आपको अनेकों बार मौखिक रूप से कहा गया कि आप पार्टी की नीतियों, विचारधारा एवं अनुशासन के विरुद्ध जाकर कोई भी बयानबाजी व कृत्य आदि ना करें, परंतु इसके बाद भी आप लगातार पार्टी के खिलाफ जाकर कृत्य करते आ रहे हैं। पार्टी के हित में आपको बहुजन समाज पार्टी की मेंबरशिप से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इधर दानिश अली ने मायावती के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि जनता विरोधी, नौजवान विरोधी नीतियों का विरोध किया है। क्या ये विरोध करना पार्टी विरोधी गतिविधि है, ये मेरा सवाल है। दरअसल दानिश अली तब सुर्खियों में आए थे जब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने उन पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद राहुल गांधी दानिश अली से मिलने उनके आवास पर गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।